हमारे देश में न्यायिक संस्थान लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे साथ कभी भी अन्याय होता है जीवन में, तो सबसे पहले हम कोर्ट के पास ही जाते हैं। कोर्ट निष्पक्ष न्याय करता है, कोर्ट कानून के तहत न्याय करता है, विवादों का निपटारा करता है, अपराधों के लिए सजा देता है और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। अब कोर्ट्स भी तीन तरह के हैं, जैसे कि निचली अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। पूरा देश न्याय के लिए कोर्ट ही जाता है, लेकिन आज आपको एक ऐसे समाज से रूबरू करवाने वाले हैं जो अपने न्याय की गुहार निचली अदालतें, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से नहीं बल्कि मीना हाई कोर्ट से लगाता है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि क्या है ये मीना हाई कोर्ट। बहुत ही कम लोग इस कोर्ट के बारे में जानते हैं, तो आइए आज आपको आदिवासी दिवस पर बताते हैं मीना हाई कोर्ट के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति राघव और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है आदिवासी दिवस? आखिर आदिवासी समुदाय न्याय के लिए क्यों नहीं जाता सरकार के पास? क्या है राजस्थान के मीना समुदाय की एकता का राज? आज विश्व आदिवासी दिवस के इस खास मौके पर हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के दौसा जिले के नांगलियावास गांव, जहां मीना समुदाय के हजारों लोग इकट्ठा होते हैं एक खास जगह पर जिसे मीना हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि मीना हाई कोर्ट का गठन एक महत्वपूर्ण घटना के बाद हुआ था। बात है 31 साल पहले की। 16 जुलाई 1993 को दौसा जिले के चूड़ियावास गांव में एक घटना घटी थी। एक विवाहित महिला प्रेमी देवी ने अपने प्रेमी भगवान राम के साथ मिलकर अपने पति घासी की हत्या कर दी थी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की, तब मीना समाज के पंचों ने अपनी खुद की खास पंचायत बैठा दी। आरोपी महिला उसके प्रेमी को पकड़कर उनके चेहरों पर काली पोत दी गई और उन्हें गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला गया। इस घटना के बाद पुलिस ने जुलूस में शामिल कई पंचों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के चलते इसके विरोध में मीणा समुदाय ने एक बड़े आंदोलन की शुरुआत कर दी। हजारों की संख्या में लोग दौसा कलेक्ट्रेट की ओर कूच करने पहुंच गए और अंत में पुलिस को पंचों को रिहा करना पड़ गया। इस घटना ने मीणा समुदाय को एक कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मीणा हाईकोर्ट की शुरुआत की गई। इसी के चलते अब हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर हजारों की संख्या में मीना समुदाय के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। यहाँ समुदाय के आंतरिक मुद्दों और विवादों को सुलझाया जाता है, पंचायत बिठाई जाती है और आपसी झगड़ों का निपटारा किया जाता है। वहीं 2018 में मीना हाईकोर्ट के लिए एक आलीशान इमारत का भी निर्माण किया गया था। मीना समुदाय ने अपना अपना अलग हाईकोर्ट बना लिया ताकि समाज के अंदरूनी मामलों को सरकार के पास ले जाने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही बैठकर सुलझा लिया जाए। इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ पर न केवल समाज के प्रमुख लोग बल्कि हर पार्टी के राजनेता भी पहुँचते हैं, जो इस स्थान की महत्व को और बढ़ा देता है। यह स्थान न केवल न्याय का बल्कि समाज की एकता का भी प्रतीक बन चुका है, जो पूरे समाज को एकता से बांधे हुए है। इसी दिन का ये लोग पर्व के रूप में भी मनाने लग गए। आज का यह दिन आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण दिन है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।